की वीडियो है मेरी इंट्रो वीडियो। बहुत सारे लोग आप लोग पूछते हैं कई बार कि मैं कहाँ से हूँ और मेरा एजुकेशन क्या रहा, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा आज इंट्रो वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो आज मैं बताने वाली हूँ अपने बारे में, साथ में कुछ अपडेट भी आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मेरा नाम है अमिता गुप्ता और मैं हूँ मध्य प्रदेश से, और मेरे घर में है मेरे हस्बैंड और मेरी क्यूट सी छोटी सी बेटी अनाया। मेरे हस्बैंड का नाम है पुष्पेंद्र गुप्ता, बेटी का नाम तो आप सभी जानते हैं अनाया को, और कई बार मैं वीडियो में उससे मिला भी चुकी हूँ आप लोगों से। और मध्य प्रदेश में मैं कहाँ से हूँ बेसिकली, तो मैं हूँ रीवा से, मतलब मेरा जो घर है, मेरा ससुराल है, वो है रीवा में। हो सकता है आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ और, आप लोग कहाँ से ये भी बताइएगा भाई, मेरी भी इच्छा होती है ना कि आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कहाँ रहते हैं, तो आप लोग स्टेट ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मेरा जो ससुराल है वो रीवा का है, और मेरा जो मायका है वो भी मध्य प्रदेश में है, सीधी डिस्ट्रिक्ट। और करेंटली मैं रह रही हूँ मैहर में। मैहर है मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में आता है। यहाँ पे शारदा माता की बहुत फेमस मंदिर है, हो सकता है आप लोग जानते होंगे, कभी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। जो स्कूलिंग है वो सीधी से हुई है, ग्रेजुएशन किया है मैंने जबलपुर से, माता गुजरी कॉलेज से। उसके बाद एमकॉम भी वहीं से किया है, और मैंने किया है एमबीए इंदौर से। और एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं वहीं इंदौर में ही कॉलेज में पढ़ाती थी, और उसी के दौरान मेरी जब मैरिज हुई 2013 में, एक साल में और जॉब की, फिर मेरी जॉब मतलब मैंने वहाँ से छोड़ी। क्यों छोड़ी, क्या सारा कुछ मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जॉब छूट गई या मुझे छोड़नी पड़ी तो इसके आगे कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो उसके साथ बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं आपको करने के लिए। और आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है आपका एफर्ट, आपकी सोच और आपकी फैमिली का सपोर्ट। और मेरे घर में अगर बात करूँ तो मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है कि मैं कुछ भी करती हूँ तो उनका पूरा सपोर्ट होता है मेरे साथ। और मेरी बेटी भी बहुत समझदार है, मतलब 5 ईयर की एज में वो काफ़ी समझदार है, चीज़ों को समझती है, जिन चीज़ों को मैं समझाती हूँ बहुत अच्छे से, मतलब इतनी ज़्यादा जिद्दी भी नहीं है जैसे बच्चे होते हैं नॉर्मली, कहीं बहुत ज़्यादा समझती है इन चीज़ों को। तो मुझे थोड़ा सा काम करना काफ़ी इजी हो जाता है इसलिए। और सिर्फ दो चीज़ों की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल किया। पहली चीज़, मेरी बेटी के साथ मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। जब भी कोई मिलता था उससे तो हमेशा यही मतलब बोलता था कि आप बहुत अच्छे से उसकी केयर करते हो, बहुत अच्छी है आपकी बेटी, ये सारी चीज़ें जब उसको कॉम्प्लीमेंट मिलते थे तो मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, तो इसीलिए। और दूसरा चीज़ ये, मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो है फाइनेंशियल सेक्टर में, बैंकिंग में है वो, तो चूँकि ट्रांसफरेबल जॉब है तो मैं बहुत सारी जगह मतलब एमपी में बहुत सारी जगह पे रही, और ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि हर साल दो साल में मेरी जगह चेंज हो जाती है। ऐसा करियर चूज़ करना चाहती थी कि उस पर ट्रांसफ़र होते हैं तो उसका कोई असर नहीं हो, तो ये तो यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए कि जिसपे मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, इधर उधर हम जा रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम और आप ऐसे ही मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। और ये दो चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। इसीलिए स्टार्टिंग में जो मेरी वीडियोज़ थी वो आती थी जो पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों की केयर कैसे करें उससे रिलेटेड वीडियोस आती थी। आप लोगों ने अगर देखा होगा शुरू से मेरी वीडियोस, तो काफ़ी वीडियो मैंने इस पर डाली है, और वो भी वीडियो बहुत यूज़फुल है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत आपको उससे बेनिफिट होगा। बहुत सारी वर्कशीट वगैरह मैंने उस पर शेयर की थी, और बच्चों की केयर कैसे करें ये सारा कुछ उसमें था। लेकिन इस पर मैंने एक वीडियो डाली थी किचन किड्स की, कि बच्चों के घर पे एक किचन प्लेटफॉर्म कैसे बनाए बच्चों को प्ले करने के लिए, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। तो उससे मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो काफ़ी DIY वाले जुड़ गए थे, मतलब जिन्हें DIY करना पसंद होता है। तो इसके बाद मैंने बहुत सारी DIY की भी वीडियो डाली, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो लोग एजुकेशन के वीडियो देखते हैं उनके लिए वीडियोज़ नहीं आएंगी। वो भी मेरे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है, सभी सब्सक्राइबर मेरे लिए सभी इम्पॉर्टेंट है, और सभी को बहुत सारा थैंक यू, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। और एक उन सब्सक्राइबर्स के लिए अपडेट है, पहली अपडेट कि जो एजुकेशन की वीडियो देखते हैं ऑलरेडी, इसमें बहुत सारी वीडियोस हैं उनके लिए, आप सर्च करें, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज़, एक मेरा नया चैनल स्टार्ट हो गया है, मतलब द क्रिएटिव टीचिंग के नाम से है, और उसमें मैंने सिर्फ अभी 2 वीडियो डाली है। क्यों डाली है सिर्फ 2 वीडियो मैं भी आपको बताऊंगी। और वो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वीडियो ही मैं अपलोड करूंगी,
नया अपडेट ये है कि जो है मैं जाने वाली हूँ शादी में, और शादी है मेरे सिस्टर इन लॉ की, मतलब मेरे घर पे ही शादी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आना चाहती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा है। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे DIY वीडियो के लिए, तो अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो रहा है, लेकिन शादी है 10 दिसंबर की, तो उसके बाद जब मैं शादी से आ जाऊँगी तो मैं बहुत सारी वीडियोस, मतलब मैंने प्लान आउट करके रखे हैं, लेकिन सिर्फ मतलब टाइम नहीं होने की वजह से वो वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। तो वो वीडियो आएंगी मतलब 13 दिसंबर के बाद। और हाँ, एक चीज़ है कि वो, और ये हो सकता है कि अभी मैं जैसे शादी में जा रही हूँ तो वहाँ के ब्लॉग में आपके लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि मैंने जैसे कैसे ड्रेसअप पहने, कैसे हम रेडी हुए, क्या है हमारे यहाँ का कल्चर, कैसे होती है शादियाँ हमारे यहाँ, ये सब चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। अनाया ने कौन से ड्रेसेस पहने, ये सारी चीज़ मैं वहाँ पे ब्लॉग शेयर कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं, तो ही मैं उसके ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी घर की शादी है तो बहुत सारे काम भी होंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं वो ब्लॉग आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी जो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं, अभी एक दो दिन इधर वीडियो आएंगी, मतलब 5 तारीख को मैं जाने वाली हूँ, तो उसके पहले मेरी वीडियोज़ नॉर्मल आएंगी जो आती हैं, और फिर उसके बाद 13 दिसंबर के बाद आएंगी जो वीडियोस मेरी कंटिन्यू आ रही हैं। और 13 दिसंबर के बाद जो मेरा नया चैनल है द क्रिएटिव टीचिंग, उसमें कंटिन्यू वीडियो आएंगी, और उसमें वीडियो अल्टीमेट वीडियो होगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो उस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं डे टू डे एक्टिविटीज़ बच्चों की, जैसे सब कुछ उसमें डे टू डे आपको बताऊंगी कि कैसे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके, क्योंकि स्कूलों में भले ही ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को टाइम देना बहुत ज़रूरी हो रहा है, जो कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे 2 कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, पहली चीज़ कि आप शादी का ब्लॉग देखना चाहते हैं क्या, और दूसरी चीज़ आप लोग कहाँ से हैं, कौन से स्टेट से हैं, मतलब मुझे भी इंटरेस्ट आता है ये चीज़ जानने में। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा 13 दिसंबर के बाद, उसमें कंटिन्यू वीडियो आएगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा चैनल है, नाम है द क्रिएटिव मॉम्स, तो अगर इसे आपको सब्सक्राइब करना है तो ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाता है, तो ये मतलब इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ये बेल आइकन है तो इसे ज़रूर साथ में आप प्रेस करिएगा। ऑल में क्लिक करते हैं तो मेरी सारी वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद जितनी भी वीडियोज़ आएगी फिर आपको कोई भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा, जब रेड होती है तभी सब्सक्राइब करते हैं।